जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। आज हम एमपी जीके की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो वो सारे एमपी जीके की वीडियोस को मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। एमपी जीके की सीरीज ये मात्र एक ऐसा चैनल है जिसमें मध्य प्रदेश जीके इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है, तो दोनों लैंग्वेज में हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश जीके के समान ज्ञान के बारे में। पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन और मध्य प्रदेश के समान परिचय को हमने जाना था। आज से हम मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के बारे में और संभागों के बारे में जानेंगे। तो हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और जिलों की संख्या कितनी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग हैं, 11वां संभाग प्रस्तावित है और वर्तमान में 52 जिले हैं। जो अभी नवगठित जिला हुआ है, आपको जैसा कि अवगत होगा 2018 में एक नया जिला टीकमगढ़ से अलग होकर के बना है और उसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहां पर हम जो बात करेंगे, मध्य प्रदेश वर्तमान में 10 संभाग है और कुल जिलों की संख्या 52 है। सबसे पहला संभाग हम पढ़ेंगे जबलपुर संभाग। संभाग होता क्या है? संभाग एक प्रशासनिक इकाई है जहां से विभिन्न जिलों को कंट्रोल किया जाता है। इन सभी प्रशासनिक इकाइयों को, मतलब ये बहुत सारे जिलों को मिलाकर एक संभाग का गठन होता है। जैसे जबलपुर संभाग, अगर मैं बात करूं जबलपुर संभाग की, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है और इसमें कुल मिला के 8 जिले आते हैं। तो जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जबलपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है नर्मदापुरम, ये भी आप याद रखिएगा। जिलों की संख्या कितनी है? 8। एक मैप लेकर के जरूर बैठे हैं आप, तो इसमें है जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो जबलपुर संभाग के बारे में आपने जाना, जिलों की संख्या 8 है, मुख्यालय इसका जबलपुर में है और कुल जो जिले हैं उसमें जबलपुर है, कटनी है, नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, डिंडोरी है, मंडला है और बालाघाट है। याद रखिए इन सभी चीजों को आप नोट करते चलें, बहुत ही काम आएगी आपके। अब उज्जैन संभाग के बारे में हम जानते हैं। उज्जैन संभाग में कुल मिला के 7 जिले हैं और ये इसमें जो 7 जिले हैं वो है उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर। मध्य प्रदेश के वेस्टर्न साइड पर पश्चिमी जो क्षेत्र है वो सब उज्जैन में ही आएगा, रतलाम, मंदसौर, नीमच। तो यहां पर 7 जिले हैं और जो उज्जैन है, उज्जैन में का जो मुख्यालय है, उज्जैन का मुख्यालय संभाग का उज्जैन ही है। जो तीसरा है वो है इंदौर संभाग। अगर मैं बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर संभाग है, तो सवाल उठता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल संभाग है। इसमें कुल जिलों की संख्या 8 है और इंदौर संभाग का जो मुख्यालय है वो इंदौर है। इसमें जो जिले हैं वो है इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, पश्चिमी निमाड़ जिसका नाम खरगोन है, पूर्वी निमाड़ जिसका नाम खंडवा है, बुरहानपुर और बड़वानी। चौथा संभाग है भोपाल संभाग, मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल एक संभाग भी है। इसमें कुल जिलों की संख्या 5 है। तो कुल जिलों की संख्या कितनी है? 5। इसमें कौन कौन सा है? भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। जैसा कि आपको अवगत होगा 1972 में
सीहोर से ही अलग हो करके भोपाल एक जिला बना था। पांचवा है ग्वालियर संभाग। अभी तक आपने चार संभागों के बारे में पढ़ लिया है, अब हम ग्वालियर संभाग के बारे में जानेंगे। ग्वालियर संभाग जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है, ग्वालियर संभाग में कुल मिला के पांच जिले हैं और ग्वालियर संभाग में जो इसका मुख्यालय है वो ग्वालियर में है। तो पहला है ग्वालियर, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है दतिया, चौथा है गुना और पांचवा है अशोकनगर। तो इसमें कुल मिला के पांच जिले हैं, गुना, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी। अब अगला है रीवा संभाग। रीवा संभाग जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र का रीजन है और पूर्वी क्षेत्र का संभाग है, इसमें कुल मिला के चार जिले हैं और इसका मुख्यालय रीवा है। इसमें रीवा है, सीधी है, सतना है और सिंगरौली है। तो याद रखिएगा, रीवा संभाग में चार जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। अगला है सागर संभाग। सागर संभाग जिसमें कुल जिलों की संख्या है छह। सागर संभाग का मुख्यालय सागर है और सागर संभाग में सागर है, दमोह है, पन्ना है, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़। निवाड़ी नया जिला बना है 1 अक्टूबर 2018 को, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर के बना है। ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। 53वां जिला नागदा जो कि उज्जैन से बनना है वो प्रस्तावित है, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो सागर संभाग में कुल जिलों की संख्या छह और इसका मुख्यालय सागर ही है। अगला है चंबल संभाग। चंबल संभाग इसका मुख्यालय मुरैना में है। ये चंबल संभाग इसका नाम चंबल संभाग इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी इन तीन जिलों की नदी जो मुख्य है वो चंबल है, वो है भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो चंबल संभाग में तीन जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। नर्मदापुरम संभाग, इसका नाम पहले होशंगाबाद संभाग पे आधारित था, अब इसका नाम नर्मदापुरम रख दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नर्मदापुरम अपनी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और इसमें जिलों की संख्या तीन है। पहला है होशंगाबाद, दूसरा है हरदा और तीसरा है बैतूल। अगला संभाग है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग में से एक है। इसमें तीन जिले हैं शहडोल संभाग में और शहडोल संभाग का मुख्यालय शहडोल ही है और तीन जिले हैं, इनका नाम है शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल संभाग का गठन 14 जून 2008 को हुआ था। छिंदवाड़ा संभाग, छिंदवाड़ा संभाग में इसमें प्रस्तावित जिले, चूंकि छिंदवाड़ा संभाग अभी बना नहीं है, वैसे वस्तुतः मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और ये 11वां जिला, 11वां संभाग छिंदवाड़ा बनना बाकी है। तो छिंदवाड़ा प्रस्तावित है और इसमें तीन जिले शामिल होने की प्रस्तावना रखी गई है, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। यहां पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, जो कि मैं पहले से बता चुका हूं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर है और जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग शहडोल है। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश का जो वीडियो एमपीजीके का, इसमें हमने मध्य प्रदेश के 10 संभाग के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम जबलपुर जिले के बारे में पढ़ेंगे। जबलपुर संभाग हमारा पहला संभाग होगा और उसमें 8 जिले हैं और हम पूरे 52 जिलों का एक सीरीज बनाएंगे
और हम एक जिलो की वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जो आपके सुझाव हैं वो हमारे लिए हमेशा स्वागत योग्य होंगे। आप अपने सुझाव भी हमें पेश करें। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।